मेरा नाम जयप्रकाश राय। सब पहले तो रामनगर कारी कछार के जनता माली को प्रणाम है ना। जयप्रकाश राय मेरा चुनाव चिन्ह कलम दबात मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पंचायत से लड़ रहे हैं? रामनगर कारी कछार। आप क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने का क्या वजह है? पूरा जनता मालिक का, सभी समाज का आदेश आया कि आप चुनाव लड़िए, हम साथ हैं। यानी कि जो आपके पंचायत के जो लोग हैं, जनता हैं, उनका कहना रहा कि आप चुनाव लड़िए, वजह क्या है कि आपको कहें? वजह है कि जो 10 साल से प्रेजेंट मुखिया हैं, कहीं भी देख लीजिए बाढ़ 1 से 13 तक कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इंदिरा आवास में लूट घसोट हो रहा है, 40-40 हज़ार वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसमें 2000-3000 ले रहे हैं, कहीं विकास नहीं है। अच्छा, शौचालय जो हो रहा है निर्माण, उसमें लूट। यानी कि जो करप्शन के कारण जो है आपके तरफ लोगों का नज़र है कि जिस तरह का जो अवरोध हुआ है विकास में, तो अगर आप आएंगे तो उसको सुधारेंगे, ये उम्मीद से लोग आपको कह रहे हैं? हम अगर चुनाव जीतते हैं, पूरा जनता का जीत है, और चुनाव जीतने के बाद पहला एम ए है कि इंदिरा आवास में कहीं कोई कमीशन नहीं, और दूसरा जो भी पंचायत में काम आएगा पूरा जनता के द्वारा काम किया जाएगा। यानी जनता के द्वारा, जनता से बातचीत करके जो भी होगा जनता काम करेगा। आपका चुनावी मोटो क्या है? चुनाव जीतने के बाद किस किस बिंदु पे आप काम करेंगे? शिक्षा हो गया, अभी देखिए जो हॉस्पिटल अभी है, स्वास्थ्य भी लाचार है व्यवस्था में, पूरा वीडियो क्लिप हम रखे हुए हैं। रात में 11-11:30 बजे जाते हैं तो बाहर में मरीज मर रहा है, ताला बंद है। इस पर आप अंकुश लगाएंगे? हाँ, अंकुश लगाएंगे तो। यानी कि आपके यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी निंदनीय है, ढीला है, और शिक्षा व्यवस्था में भी कमी है, तो ये सारा व्यवस्था चुनाव जीतने के बाद आप उसमें परिवर्तन करेंगे? पूरा परिवर्तन एकदम, लाइब्रेरी तक भी हम लोग खोलने का काम करेंगे। आप इस बार भी बाढ़ राहत शिविर के लिए आप स्वतः अपने तरफ से समाज की सेवा किए कर रहे हैं, और कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि आप सेवा भाव में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार आपके सेवा का जो फल है जनता देंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सेवा किए हैं को पंचायत लेवल पर नहीं किए हैं। लॉकडाउन से देख लीजिए आप, भागलपुर, पूर्णिया और खुसरूपुर इधर बाढ़ तक जो है, हम लोग का एक ट्रस्ट है राज कृष्णा फाउंडेशन, उसके द्वारा हम लोग का जो वितरण किया गया। यानी कि आप अपने फाउंडेशन तहत, लेकिन हम लोग तो ट्रस्ट को नहीं मानते ना, हम लोग तो आपको यहाँ जानते हैं, सब लोग यहाँ के लोग आपको जानता है, तो आपके ही ऊपर है, तो यह सेवा तो जारी रहेगा ही इसके बाद भी? एकदम जारी, बिल्कुल जारी रहेगा। और मुखिया फंड के अलावा जो भी विकास में और कहीं बाधा आएगा तो राज कृष्णा फाउंडेशन के द्वारा भी विकास किया जाएगा पंचायत में। अच्छा, रोजगार के लिए क्या किसी तरह का मुद्दा है आपके पास कि रोजगार किस तरह से उपलब्ध करवाया जाएगा आपके यहाँ? रोजगार के लिए अभी हम लोग बैठेंगे, उस पर फिर आगे बात होगा। महिलाओं के लिए क्या विचार है? महिलाओं के लिए अभी सिलाई सेंटर जो हो गया सब कर एक निर्णय लेंगे, उसके बाद जो भी होगा फाउंडेशन के द्वारा, अपने कंपनी के द्वारा, मुर्गी पालन हो गया चाहे मछली पालन हो गया, सिलाई सेंटर हो गया ना, समझे, सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। अच्छा, आपके कंपनी के तरफ से भी कुछ बेरोजगार लोगों को काम दिया गया, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे? एकदम जारी रहेगा, अभी बहुत सारे काम वो कंपनी के द्वारा दिए। यानी कि सरकारी हो या गैर सरकारी हो, रोजगार के प्रति आपका विशेष ध्यान है? विशेष बेरोजगारों के लिए बहुत विशेष ध्यान। अशिक्षित बेरोजगार है उनके लिए क्या है? उनके लिए अभी जैसे मुर्गी पालन हो गया, अशिक्षित हो गया, हाँ, अशिक्षित बेरोजगारों के लिए मनरेगा हो गया, हाँ, उसमें जो भी काम आएगा सब होगा, वो सब करेगी। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने पंचायत वासियों को संदेश देते हैं कि ये लड़ाई जो है पूरा जनता का है, और जीत भी होगा जनता का होगा, जो भी काम आएगा जनता के द्वारा ही किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत वासियों को शांति ढंग से, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम शांति ढंग से वोटिंग करना है, चढ़ कर हिस्सा लेना है। आपका छाप क्या है, छाप के बारे में बताएंगे? छाप मेरा
क्रम संख्या 3 कलम दबा छाप जो है उसी पर बटन दबाकर भारी मतों से चलिए ऐसे दाबना है सबको। जनता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, काश राय जिंदाबाद, कलम दबाद छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलम दबाद छाप जिंदाबाद।